जो भी कोई औखा टाइम आया मनप्रीत की छाती अगे होगी। मैं थोनू अपने पिछे लुको लूंगा। मैनू आम आदमी पार्टी की नलैकी या गुलामी थोड़े मथियां ते नहीं लिखी। पंजाब की धरती जिहड़ी है इस किस्म के निकम्मे हत्थां दे विच आ गई है। पंजाब के रस्ते के कंडे जिहड़े है ये नरेंद्र मोदी ते अमित शाह जी आप अपने हत्थां नाल चुक लैणगे। साथियों बहादुरों दलावरों मेरी धरती मां दे बेटे ते बेटियों मेरे हमवतनों स्टेज ते बैठे अहुदेदारान जिम्मेवारान साडे स्टेट के प्रधान शर्मा साहब नरेंद्र राणा जी जाखड़ साहब जे अज मेरी अखां मैनू धोखा नहीं दे रही। थोड़ा जोश थोड़ा अज का जज्बा थोड़े वलवले जे मेरी अखां का धोखा नहीं तो अज इस भारतीय जनता पार्टी के कच्छ दे विच मैनू पंजाब की बदलती हुई तकदीर नजर आ रही है। दोस्तों मैं अज अपने घर तो जो चलिया सी तो मैं अरदास करके चलिया सी। मैं अरदास ये नहीं की कि परमात्मा भारतीय जनता पार्टी नू कोई औखी घड़ी ना दिखाई। मैं ये अरदास नहीं की कि साडे ते कोई तंग समा ना आवे। मैं अज अरदास करके आया कि भारतीय जनता पार्टी ते जो भी कोई तंग वक्त आवे औखी घड़ी आवे रब्बा सानू हिम्मत दई असीं उहदा मुकाबला कर सकीए। असीं मुकाबला करांगे। अश्विनी साहब मैं भारतीय जनता पार्टी का सब तो नवा ते सब तो जूनियर मैं इस वेले मैंबर है क्योंकि मेरी शमूलियत नू कमो पेश एक महीना होया है भारतीय जनता पार्टी च। अज के दिन नू गवाह रख लो सारे लीडर बैठे तुसी गवाह अज का दिन गवाह रख लो लोग तुसी इस गल की गवाही रख लो। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ते इस पार्टी ते जो भी कोई औखा टाइम आया मनप्रीत की छाती अगे होगी। मैं थोनू अपने पिछे लुको लूंगा क्योंकि मैनू पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इमानत है ते अमित शाह जी की इमानत है। दोस्तों मेरे दिल के जख्म बहुत ज्यादा ने। टाइम की किल्लत है स्टेज तो मैनू टाइम की किल्लत है पर मैं जांदा जांदा एक गल कह के जाऊंगा। जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह नू लाहौर की जेल च फांसी होनी सी 23 मार्च 1931 नू शाम नू फांसी हुई। फांसी तो सवेरे हुंदी हुंदी है पर अंग्रेज डर गया कि अज शाम नू ही फांसी फसाद होणगे तो नंबरदार ने आके जिहड़ा जेल का नंबरदार सी उन्हें कहा भगत सिंह तैयारी कर लो शाम नू ही दुनिया तो जाना है। तो भगत सिंह ने वो नंबरदार नू कहा मैं दुनिया तो अज चले जाना है। जान तो पहला एक गल लिख के जानी चाहना है मैनू यार लक्कड़ का काला कोला लिया दे वो काल कोठड़ी उहदी सफेदी कंध ते वो वतन प्रस्ती उहने चोरियों उहनू लक्कड़ का काला कोला लिया था। ते शहीद आजम ने काल कोठड़ी दे सफेद कंध ते की लिखिया उहनां दिनां च पंजाब दे विच गुरमुखी ते हिंदी नहीं चलती सी उर्दू चलिया करती सी ते लहू ना लिखण वाले लफ्ज है जे जे किसी कोले कलम है तो कलम ना लिख लो। ते आप लिख के गए दैर से क्यों खफा रहे। दैर फारसी दुनिया नू कहंदे आ भई दुनिया नाल साडा की गुस्सा है। दैर से क्यों खफा रहे च
चरक से क्यों गिला करे। चरक कहते समान रब न भी रब न सा गिला दुनिया नाल सा गुस्सा है। वह कहना लहू ना लिखने वाले लफ्ज है। वह कहना सारा जहां अदू सही अदू दुश्मन कहते फारसी भी सारी दुनिया भी साड़ी दुश्मन हो जाए अगे दैर से क्यों खफा रहे चरक से क्यों गिला करे सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे मुकाबला करांगे जो भी पंजाब के हालात है हथां दी लकीर है मथे दी तकदीर है। लोग कहते हैं लोग कहते हैं यह परमात्मा लिख के भेजता है यह रब ने लिखिया यह बदलिया नहीं जा सकदिया। मैं अज थोड़े भारतीय जनता पार्टी के जो वर्करां दे मथे ते थोड़िया मथे दिया तकदीरां मैनू जो नजर आ रही है हाथां दी लकीरां दे विच मैनू आम आदमी पार्टी की नलैकी या गुलामी थोड़े मथ्यां ते नहीं लिखी थोड़े हत्थां ते इस किस्म का जो जो तरज हुकूमत है ये पंजाब के लोगों ते नहीं लिखा। मैनू दुख सिर्फ एक गल का अज आ कि पंजाब की धरती वो शेर जमण वाली धरती जेड़ी धरती शेरां नू जन्म दिंदी है पंजाब की धरती जिन्हों रब ने हरे खेतां नाल सजाया दवे दुल्हन नू मेहंदी नाल सजाउंदे है। पंजाब की धरती जिहड़ी है इस किस्म के निकम्मे हत्थां दे विच आ गई है। तो मैं अज थोनू सिर्फ इको ही गल कह के जाऊंगा और वह गल की है कि परमात्मा ने हमेशा पंजाब वास्ते खास तकदीर लिखी है। पंजाब एक मुनव्वर तकदीर रखता है ते पंजाब के रस्ते के कंडे जड़े है ये नरेंद्र मोदी ते अमित शाह जी आप अपने हाथों में चुग लेंगे। इस करके दोस्तों आज दो रस्ते हैं पंजाब के लोगों को तुसी हल्किया जाके दसना है एक तबाही का रस्ता है एक तरक्की का रस्ता है यह चुनना केड़ा है ये पंजाब के लोगों के छड़ के जाता है। किसी कवि ने लिखा है यह खाक नशीनो खाक कहने मिट्टी नू ते जेड़े मिट्टी दे वारस है यह खाक नशीनो उठ बैठो अब वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त उछाले जाएंगे और ताज उतारे जाएंगे कट जाएंगी जंजीरें। ते लिखने वाली गल है कि जब दरिया झूम के उठते हैं तिनको से ना टाले जाएंगे जो हड़ा दे विच जो दरियावां दे विच हड़ आ जान वो तिनकिया ना नी वो आम आदमी पार्टी की सरकार ना टाले नहीं जाने। मैं परमात्मा के अरदास करना अज इस धरने दे विच जिन्ने भी लोग शामिल होए हैं परमात्मा तुसी दूरों दूरों चल के आयो तुसी मूंह नेरे उठ के बसा दे विच अपनिया गड्डिया दे विच आयो। मैं परमात्मा के अरदास करना है परमात्मा थोनू सारिया नू रब थोनू सारिया नू खुश रखे रब थोड़िया औलादा नू खुश रखे रब थोड़े भैणा भरावां नू खुश रखे रब थोड़े मां बाप नू खुश रखे रब हिंदुस्तान की हिफाजत करे ते रब थोनू ते मैनू इस धरती मां की सेवा करन दी बुद्धि देवे। जय हिंद।